परमात्मा और किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। वो दिन भर खेत में मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़ तो कभी ओले तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस कारण वह बड़ा दुखी रहा करता था। एक दिन दुखी होकर वह परमात्मा को कोस रहा था। तभी परमात्मा ने उसे दर्शन दिए और उसके दुख का कारण पूछा। किसान बोला, भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपके कारण हर साल मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक साल मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलहाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। परमात्मा बोले, ठीक है, आज से तुम भी मौसम को नियंत्रित करो, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। उसने धूप पानी सब अपने हिसाब से आने दी। तेज धूप अंधड़ अति वर्षा ओले आदि से उसने अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी हुई ही नहीं थी। जब कटाई का समय आया तो वह बहुत उत्साहित था। वह मन में मन सोचने लगा कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने साल में हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बालियां देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वो विलाप करते हुए परमात्मा को याद करने लगा। परमात्मा प्रकट हुए तो वह बोला, हे भगवान, ये मेरी फसल को ये क्या हुआ? परमात्मा बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा पानी धूप सब कुछ तो फसल के अनुकूल रखी, फिर भी वह खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। न वह कड़ी धूप में तपी, न ही बारिश की तेज बौछारों को सहा, न ही वह तूफानी अंधड़ से जूझी। इस कारण वह खोखली रह गई। कड़ी धूप तेज वर्षा तूफान जैसे चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उन्हें होता है, वही अंततः अन्न के रूप में उनकी बालियों में संग्रहित होता है। इस बार बिना संघर्ष के भी खोखली रह गई। सीख: जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अति आवश्यक है। चुनौतियां से जूझने और संघर्ष करने से हमें कई आंतरिक गुणों का विकास होता है। हम साहसी, जुझारू और आत्मविश्वासी बनते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में सहायक है। बिना संघर्ष के हम आंतरिक रूप से खोखले रह जाते हैं। सोना भी दफ्तर की कुंदन बनता है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आने पर हमें संघर्ष से डरना नहीं है, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार रहना है। सफलता प्राप्ति का मार्ग अवश्य सुदृढ़ होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और कहीं भूल हुई हो तो मुझे माफ कर कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, मैं औरों की तरह कोई कसर नहीं भूलूंगी, बस मुझे लगभग 100 सब्सक्राइब की आवश्यकता है। कृपया सहयोग कर यश के भागी बने। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद।